तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई। मेरे जितने नापाक से इरादे थे उन्हें भी पाक कर गई। तितली की तुलना की जा रही है जो जिंदगी को सिर्फ खूबसूरत बना सकती है, हमारे नापाक जीवन को भी पाक कर सकती है। ऐसी तितलियों को आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसी तितली को देखा है जो पक्षी जैसी दिखती हो? नहीं ना। लेकिन ऐसी भी तितली होती है जो तितली जैसी छोटी और कोमल नहीं बल्कि पक्षी जैसी विशाल होती है। ये तितली देखी गई दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में शुमार, यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट के दुर्घटना स्थल पर। इस तितली के पंख इतने बड़े जैसे कोई बड़ा पक्षी हो। उसे चेर्नोबिल प्लांट के विशेष जोन के अंदर देखा गया। रेडिएशन एंड इकोलॉजिकल बायोस्फीयर रिजर्व के वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान की है। वैज्ञानिकों ने इस तितली की तस्वीर को रिजर्व के फेसबुक पेज पर साझा किया है। रेडिएशन एंड इकोलॉजिकल बायोस्फीयर रिजर्व के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये तितली म्यूटेशन का परिणाम नहीं है, बल्कि यहाँ पाई जाने वाली एक खास और दुर्लभ प्रजाति की तितली है। इसे कैटोक्वेला फ्रैक्सिनी के नाम से जाना जाता है। इस तितली को खूबसूरत और नीले पंखों वाली बताया जाता है। रिजर्व ने अपने बयान में बताया कि इस तितली को यूक्रेन के संकटग्रस्त प्रजाति के अंदर रखा गया है। कैटोक्वेला फ्रैक्सिनी यूक्रेन और यूरोप में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितलियों में से एक है। इस तितली के आगे के पंख 45 मिलीमीटर और उड़ान के दौरान पंखों का फैलाव 110 मिलीमीटर तक हो सकता है। इस तितली के अंदर के पंख रात में सक्रिय होते हैं जो नीले रंग के होते हैं। रात में प्रकाश में ये पंख बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। बता दें, चेर्नोबिल प्लांट के विशेष जोन का निर्माण पावर प्लांट में भीषण दुर्घटना के बाद साल 1986 में किया गया था। ये दुनिया के इतिहास में अब तक की सबसे भीषण दुर्घटना मानी जाती है। इसमें तत्काल करीब 100 लोग मारे गए थे और बाद के सालों में हजारों लोग रेडिएशन की चपेट में आकर अपनी जिंदगी गवा बैठे थे। साल 2016 में रेडिएशन एंड इकोलॉजिकल बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई ताकि इस इलाके के विशेष वनस्पति और पेड़ पौधों को बचाया जा सके। साथ ही यहां पर रेडियोधर्मी विकिरण के प्रभाव का आकलन किया जा सके।